नमस्कार, आज हम त्रिवेणी कला संगम मंडी हाउस पे विराजमान हैं। संगीत साधना संस्थान हम सबों की एक छोटी सी संस्था है जो भारतीय संगीत नृत्य की विरासत के रक्षार्थ सन 2000 में स्थापित हुई। आज तकरीबन 25 साल होने जा रहे हैं, तो इसका वैसे हर साल ही हम आयोजन करते रहते हैं, लेकिन बीच में कोरोना के बीच में काल में थोड़ी सी व्यवधान हुई, तो 2022 में किया और अब 24 में हो रहा है। और संगीत साधना संस्थान उन कलाकारों के लिए जो भूले बिसरे गुरु लोग हैं उनकी स्मृति में खास करके ये कार्यक्रम करती है, अनसंग म्यूजिशियंस। तो ये जो अमृत महोत्सव काल चल रहा है, इसके दौरान हमने 2022 में कथक केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैं कथक केंद्र में तबला गुरु के पद पर हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नागेश्वर हरकरन और इस जो संस्था है संगीत साधना, इसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो इस प्रकार इस संगीत नृत्य के लिए, और इस बार जो आयोजन है उसमें हमने हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों का एक दृष्टि से हम देखें, उत्तर में है लेकिन हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए, तो हमने दोनों का एक समन्वय करके कार्यक्रम शुरुआत किया है, आयोजन हुए हैं। तो चूँकि मैथिली भोजपुरी अकादमी से हमें वेन्यू दिया गया, एक सहयोग किया गया है, तो मैथिली भोजपुरी का मैं सदस्य भी रहा हूँ कार्यकारिणी समिति का 2012 से 14 तक। तो इस उपलक्ष्य में पहले सर्वप्रथम मैथिली और भोजपुरी की भगवती वंदना, देवी वंदना, क्योंकि नवरात्र बस शुरू होने वाले हैं तो उससे शुरू करेंगे। तत्पश्चात तबला संगम है जो हमारे कथक केंद्र के कुछ विद्यार्थी हैं उनकी प्रस्तुति है, और फिर एक बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार हैं अजय झा जी, मोहन वीणा बजाते हैं, उनका वीणा मोहन वीणा वादन होगा। और संजोग से मैं उनके पास तबला संगत भी करूंगा आज प्रथम दिवस में पहली बार। और उसके बाद में एलन गोविंद राजन जी कर्नाटक संगीत के बहुत ख्याति प्राप्त गायक कलाकार हैं पारंपरिक, उनका उनकी कुछ प्रस्तुतियां होगी जो कि महान कवि दक्षिण के जो हुए हैं उनकी कृतियों का वो गायन करेंगे जो कि आध्यात्मिक होगा, और फिर तिल्लाना गाएंगे। उसके बाद जो हमारी अंतिम प्रस्तुति है वो पंडित राकेश पाठक जी जो कथक केंद्र में पहले गायन के गुरु थे, अब वो वर्तमान में साहित्य कला परिषद में सहायक सचिव हैं, उनकी शास्त्रीय गायन होगी। और उनके गायन के साथ ही कार्यक्रम का समापन होगा। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें इस कार्य के लिए हौसला अफजाई किया है। मैं सर से और सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि गुरु पंडित लल्लू सिंह जी के चित्र पर पुष्पार्पण करें। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए और हमारे गुरुजनों के लिए। वेद मंत्रों के पवित्र नाद से स्वर से संपूर्ण वातावरण निर्मल और आलोकित हो गया है, और इस दिव्य शुभारंभ के लिए मैं महाराज जी और उनके शिष्यों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। कर्ण जी से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले हम
महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद महाराज जी का स्वागत करें। और गुरु से तो सदैव हम लेते आए हैं, और हम लोगों की किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि गुरु को हम कुछ भी अर्पण कर पाएँ, पर आपके प्रति धन्यवाद, आभार, आपके प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा हम इन छोटे से प्रशस्ति पत्र, एक पटका, अंगवस्त्र और बुके के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहेंगे। साथ ही मैं सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान करें। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। गुरुजन और अतिथियों के मंच पे आगमन से हमारे मंच को दिव्यता मिली, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, किसी भी सांगीतिक रचना में, जैसे भजन, गीत, गज़ल, बंदिश में, स्वर जो हैं वो आत्मा की तरह होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते पर विद्यमान होते हैं। और रचना के शब्द या जो साहित्य होता है, उस कृति का बाह्य स्वरूप होता है जिसके माध्यम से हम उस कृति को समझते हैं और आनंद लेते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सुंदर स्वरों में निबद्ध और सरस और सहज मैथिली और भोजपुरी भाषा के इन पारंपरिक देवी गीत या माँ भगवती के भजनों का, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम भगवती वंदना, जिसके बोल हैं जय जय भैरवी असुर भयावनी। और यह मैथिली भाषा का भजन है, भक्ति गीत है। और दूसरी प्रस्तुति है भोजपुरी भाषा में ही, जिसके बोल हैं जगदम्बा घर में दियरा। और प्रस्तुतकर्ता हैं श्री सुंदरम जी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री सुंदरम जी का। श्री सुंदरम जी हमारी संस्था के फाउंडर सेक्रेटरी हैं, और आप बिहार दरभंगा से बिलोंग करते हैं, और पेशे से वकील होने के साथ ही पैशन को भी मजबूती से संभाले हुए हैं, और आप सेल्फ टॉट सिंगर हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करते हैं श्री सुंदरम जी का। जोरदार तालियां श्री सुंदरम जी के लिए। और आपके साथ तबला संगत कर रहे हैं श्री तुषार गोयल जी। तुषार जी ने कथा केंद्र से डॉक्टर कर्ण सर के निर्देशन में तबला वादन सीखा है, और आप यूनिवर्सिटी से तबला वादन में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वर्तमान में विद्यालय में तबला प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। जय जय भैरवी
असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिय गोसावनी सहज सुमति वर दिय गोसावनी अनुगति गति तू अपाया जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय असुर सावर वरन नयन अनुरंजित सावर वरन नयन अनुरंजित सावर वरन नयन अनुरंजित जलत जोग पुल को कट कट विकट होते फुट पारे कट कट विकट होते फुट पारे लिखुर पेन उठ पोका जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर मैं श्वेता पाठक और साथ में ये मेरी बेटी आयोनी जश्री पाठक आज हम दोनों माय बेटी एकटा छोट सापन प्रस्तुति भगवती गीत के पारंपरिक अछि हमर घरक जे हमर दादी माय सब लोग हमर साउस सब लोग गाबैत अयलै यऽ वएह आइ हम दोनों माय बेटी मिल के एकटा कोशिश कर रहल छी मंच पर संगीत शिक्षण संस्थान बहुत नीक आयोजन डॉक्टर नागेश्वर लाल कर्ण द्वारा बहुत बढ़िया मैथिली एक मंच मिलना बहुत मुश्किल होइ छै लोग के से वो आयोजन केला है अइला उनका बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद धन्यवाद जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम मिस श्वेता पाठक जी का और कुमारी आयोनिजा पाठक जी का जोरदार तालियां माँ बेटी की इस प्यारी सी जोड़ी के लिए और श्वेता जी जो हैं वो पंडित राकेश पाठक जी की पत्नी हैं जो कि राकेश जी हारमोनियम पर इनका साथ देने वाले हैं और आयोनिजा इनकी पुत्री है और माँ बेटी द्वय आज मैथिली और मगही भाषा में देवी गीत भगवती गीत प्रस्तुत करने वाले हैं और तबले पर साथ दे रहे हैं श्री वीरमणि त्रिवेदी जी जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए दुर्गी रानी घन घन घंटा बजे जय 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 भवानी दुर्गी रानी घन घन घंटा बजे जय 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 भवानी दुर्गी रानी घन घन घंटा बजे जय 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 भवानी दुर्गी Thank you.
नमस्कार, मेरा नाम तुषार गोयल, मैं तबले का साधक हूँ और अभी मैं पंडित सुरेश सलवलकर जी से अपनी तालीम ले रहा हूँ। आज का कार्यक्रम पंडित नागेश्वर लाल करण जी द्वारा संयोजक किया सॉरी ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम तुषार गोयल, मैं तबले का साधक हूँ और अभी अपनी तालीम तालियों की पंडित सुरेश सलवलकर जी के अंडर ले रहा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे गुरुजी डॉक्टर नागेश्वर लाल करण जी के गुरुजी लल्लू सिंह जी, उनको श्रद्धांजलि के लिए समर्पित है और हम गुरुजी के शागिर्द हैं और हमने एक साल अपने गुरुजी से सीखा। तो हम चार लोग एक तबला संगम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका आधार रहेगा ताल तीन ताल। हम पूरी कॉम्पोजिशन ताल तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे और उसमें कुछ कायदे, पेशकार, रेले, टुकड़े, चक्रदार प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। तबला संगम प्रस्तुति का और यह अद्भुत संगम है हमारे कथक केंद्र के तबला नवाजों का और हमारे कलाकार हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री तुषार गोयल जी का। जोरदार तालियां श्री तुषार गोयल जी के लिए, श्री जीतू परिहार जी के लिए, श्री वासु जी के लिए और साथ ही इमरान नियोनी जो कि ICCR तंजानिया से हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर ये सम्मोहित हुए और भारत में आकर के कथक केंद्र में तबला वादन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम इन चारों कलाकारों को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का यह कार्यक्रम तबला गुरु स्वर्गीय पंडित लल्लू सिंह जी को समर्पित है और नागेश्वर लाल कर्ण सर जी प्रोफेसर लल्लू सिंह जी के शिष्य हैं और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है विलक्षण परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा का, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने इन शिष्यों को निर्देशित किया है और सारंगी पर इनका साथ दे रहे हैं श्री पुनीत सिसोदिया जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं हम इन कलाकारों को।
करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं पंडित अजय पी झा सर का, जो कि मोहन वीणा वाद्य पर अपने संगीत के माध्यम से हम सबका मन मोहने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पंडित अजय पी झा सर का। पंडित अजय पी झा सर मोहन वीणा वाद्य के सुप्रसिद्ध वादक हैं और आप ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के प्रमुख शिष्यों में शामिल हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को मोहन वीणा वाद्य का जनक भी माना जाता है और पंडित अजय पी झा हैं, उनके गुरुओं के नाम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पंडित कृष्णकांत झा जी, विष्णुपुर सहसवान घराने के पंडित श्यामल कुमार बैनर्जी जी, उसके पश्चात गुरु पंडित पार्थ दास जी और पद्मश्री पंडित वेंकटेश कुमार जी से आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। यश कला सम्मान, संगीत साधक सम्मान, सप्तऋषि संगीत सम्मान आदि सम्मानों से आप विभूषित किए गए हैं और साथ ही अनेकों प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलनों और समारोह में आपने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। तो जोरदार तालियां पंडित अजय पी झा सर जी के लिए। अब आइए हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो सबसे प्राचीन शैली है कर्नाटक शैली, उसका रसास्वादन करते हैं और ज़ोरदार तालियों के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं रेनाउंड वोकलिस्ट पंडित इला गोविंद गोविंदराजन सर को। पंडित इला गोविंद गोविंदराजन, आप कर्नाटक शैली के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परफॉर्मर एवं गुरु हैं और आपने अपने पिता गुरु श्री के जे गोविंदराजन जी से संगीत शिक्षा प्राप्त की। आप कर्नाटिक संगीत के साथ ही नाटुवंगम शैली में भी निपुण हैं और परंपरा से जुड़े हुए श्री गोविंदराजन जी ने अनेकों वर्णम, जाति स्वरम, कृति, भजन एवं तिल्लाना की रचना की है और आपने 52 से अधिक देशों में अपनी कला के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित गुरु जी को मैं मनःपूर्वक उनका पुनः सत्कार करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। और आपका साथ दे रहे हैं मृदंग पर श्री रातुल जी, ये युवा कलाकार हैं और उन्होंने गुरु कुंभकोणम डॉक्टर एन पद्मनाभन जी से मृदंग वादन की शिक्षा प्राप्त की है। तो जोरदार तालियां श्री रातुल जी के लिए। गरी सनि सा री सनि पनी सानी भगव सरी गा पनी सा गरी गरी सनि री सरी सनि प सानी सनि भग सरी गा पनी सा
गरी सनी सा री सनी पनी सनी पगप सरी गा पनी सा सरी गा पनी सा सनी बगरी सा सनी बगरी सा सरी गा पनी सा प्रयास कर रहे हैं नए नए कलाकारों को, और जो बच्चे हमारे कला क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं उन लोगों को एक मंच देने की, क्योंकि मंच भी एक शिक्षा का स्थान होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। मैं उनको इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देता हूँ, और हम लोग अपना हमेशा सहयोग ऐसे ही बनाए रखें उनके इस तरह की संस्थाओं में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ऐसा मेरा आग्रह है हमारे सुधी दर्शकों से और हमारे सभी कला क्षेत्र के गुणीजनों से एवं अन्य लोगों से, कि इस तरह के प्रयास को बहुत बहुत सराहा जाए और इसको जितना हो सके मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक बार फिर से डॉक्टर नागेश्वर कर्ण जी को बहुत बहुत बधाई है। यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, निरंतर वर्ष दस वर्ष यह आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। पंडित राकेश कुमार पाठक जी, आप ख्याल शैली के प्रख्यात गायक हैं। पारंपरिक हिंदुस्तानी संगीत के डुमराव घराने से आप संबंध हैं, और आपके गुरु पिता पंडित गंगाधर पाठक जी हैं। गुरु ए टी कानन जी से भी आपने संगीत शिक्षा प्राप्त की है,
ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के आप ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं और कथक केंद्र संगीत नाटक एकेडमी में आप गायन गुरु के पद पर 10 वर्ष तक आपने कार्य किया है और पंडित बिरजू महाराज जी के कलाश्रम में भी आपने गायन गुरु के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में आप साहित्य कला परिषद दिल्ली में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं और संगीत गुरु सम्मान, रोशनी शान, पंडित घना रंग प्रकाश आदि सम्मानों से आप सम्मानित हैं। छंद स्वर लय करत प्रकाश तिमिर आंगन में साधन बन साधक गीत साधे साधन बन साधक गीत साधे सुर जाग गुण विराज मधुर गुण साजे रजनी मधुर गुण साजे मधुर धुन साज मधुर धुन साज।